भोपाल के पूर्व महापौर भाजपा नेता आलोक शर्मा के द्वारा महापौर उम्मीदवार मालती रॉय के लिए वोट मांगा एवं मालती रॉय को मजबूत उम्मीदवार बताया। भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी श्री बांसी राय जी, उनके साथ हमारे नेता है आलोक शर्मा जी। आज बात करते हैं शर्मा जी से, जिन्होंने इनको एक प्रत्याशी बनवाया है, जिन्होंने विश्वास जताया है, जहाँ पार्टी संगठन विश्वास जताया है। आज बात करते हैं शर्मा जी। नमस्कार सर, हमारी जनता को स्वागत करते हैं। देखिए, भोपाल में पुनः एक बार कमल का फूल खिलने वाला, भोपाल की जनता जनार्दन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक जमीन से जुड़ी हुई, एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार की कार्यकर्ता, जिसने कि पूरा जीवन समाज सेवा में लगाया है, माल जीरा है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भोपाल महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि भोपाल की राय आ रही, जनता की राय आ रही है, समाज की राय आ रही है, आपकी राय आ रही है, मीडिया की राय आ रही है, भोपाल की राय, भोपाल की राय, कमल का फूल खिलने वाला है। वार्ड नंबर 18 के चुनाव कार्यालय का आज भी दिवस उद्घाटन हुआ है। राजू कुशवा जी यहाँ पे पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। पिछली बार हमने 2000 मतों की लीड से ये वार्ड में विजय श्री का भरण किया था। इस बार संकल्प लिया है, इस वार्ड से हम 3000 से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री का भरण कराएंगे। चारों तरफ मालती जी की हवा चल रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो ये जरूर बोल रहे हैं कि हम कैसे से चुनाव जीतेंगे। आपके प्रत्याशी तो प्रत्याशी है, इसलिए हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। भोपाल की राय आ रही है, जनता की राय आ रही है, समाज की राय आ रही है, आपकी राय आ रही है, मीडिया की राय आ रही है, भोपाल की राय, भोपाल की राय, कमल का फूल खिलने वाला है। वार्ड नंबर 18 के चुनाव कार्यालय का आज भी दिवस उद्घाटन हुआ है। राजू कुशवा जी यहाँ पे पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। पिछली बार हमने 2000 मतों की लीड से ये वार्ड में विजय श्री का भरण किया था। इस बार संकल्प लिया है, इस वार्ड से हम 3000 से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री का भरण कराएंगे। चारों तरफ मालती जी की हवा चल रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो ये जरूर बोल रहे हैं कि हम कैसे से चुनाव जीतेंगे। आपके प्रत्याशी तो हमारे प्रत्याशी हैं, इसलिए हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे।